एवरीवन, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऑनर्स हब। आई होप आप सब ठीक है। तो आज की वीडियो में हम सेम 3 का रोमांटिक लिटरेचर करने जा रहे हैं, जो कि DSE 7 है। और इसमें हम आज चिमनी स्वीपर सॉन्ग ऑफ इनोसेंस करने जा रहे हैं। ये पोम नंबर 1 यानी सॉन्ग ऑफ इनोसेंट एक्सपीरियंस की 3rd पोम है, जिसको लिखा है विलियम ब्लेक ने। ऑलरेडी इसकी पहले वाली 2 पोम्स आ चुके हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। और ये जो नोट्स हैं, ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, और वो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। चलिए पहले अपने पोएट के बारे में जान ली, वो कौन है, वो कैसे हैं। तो बेसिकली विलियम ब्लेक है हमारे पोएट का नाम, आपको पता ही है। तो जो विलियम ब्लेक हैं, उनको अर्ली चाइल्डहुड से विजन्स आते थे कि उनका कोई कॉन्टैक्ट है स्पिरिचुअल वर्ल्ड से। और उनका जो वर्क था, उनके टाइम पे लोग उसको क्रिटिसाइज करते थे, बहुत मिसअंडरस्टूड रहता था। बट अब प्रेजेंट टाइम पे अगर हम देखें, तो उनको हम एक सेमिनल पोएट कहते हैं इस टाइम का, रोमांटिक एज का। उनके कुछ फेमस वर्क है, जैसे कि सबसे फेमस वर्क है जो हम पढ़ रहे हैं, सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस। और उनके कुछ फेमस पोम्स भी हैं, जैसे कि लंदन, द लैम, द टाइगर, द गार्डन ऑफ लव एट्सेट्रा। इन्होंने ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी पोम्स लिखी हैं। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं अपनी पोम। पहले हम शॉर्ट में देखते हैं ये किसके बारे में है। ऑब्वियसली पोम का नाम चिमनी स्वीपर है, तो चिमनी स्वीपर्स के बारे में ही होगी। तो ये हमें एविल पार्ट दिखाते हैं, क्रुएल्टीज दिखाते हैं चिमनी स्वीपिंग का, हजार्ड्स दिखाते हैं कि लोग क्या क्या सफ़र करते हैं, उनको कितनी सफोकेशंस होती हैं, बर्न आउट हो जाता है, वो बर्न हो जाते हैं उसको क्लीन करते करते। और ये टास्क बेसिकली करते हैं ऑर्फन बच्चे, जो जिनके पेरेंट उनको सोल्ड कर देते हैं मास्टर्स को, और फिर उनको ये वर्क कराते हैं। और इसकी वजह से उनको बचपन में ही कैंसर फेस करना पड़ता है, क्योंकि वो जो चिमनी से जो ब्लैक पार्ट निकलते है, इसका नाम सूट होता है, उसकी वजह से। और इसकी वजह से उनको बहुत सफ़र भी करना पड़ता है पूरे चाइल्डहुड में। आ जाइए, चलिए स्टार्ट करते हैं स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन। तो अभी पहले लाइन में क्या लिखा है, When my mother died, I was very young and my father sold me while yet my tongue. तो basically इधर क्या बोल रहे हैं हमारे poet, बोल रहे हैं ये जो बच्चा है जिसको depict किया जा रहा है इस poem में, उसका नाम next stanza में बताते हैं। अभी stanza देखते हैं कि जो बच्चा है उसकी mom की या mummy की death हो गई थी जब वो बहुत ही छोटा था, और उसके father ने उसको sell कर दिया किसी को, और could scarcely cry, weep, 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 so your chimney I sweep and soot I sleep. तो उनकी जो टंग थी, यानी कि वो बहुत छोटा था बच्चा, कि वो वीप वीप बोल सकता था, यानी स्वीप को वो वीप वीप बोलता था, वो क्लियरली प्रनाउंस भी नहीं कर पा रहा था वर्ड को, और उसके फादर ने उसको सेल कर दिया। और उस एज से अभी तक वो बच्चा चिमनीज को क्लीन करता है और सूट में सोता है, यानी कि जो ब्लैक पार्ट होता है चिमनी के अंदर से निकलता है उसमें वो सोता है। नेक्स्ट हमारे स्टैंजा में बढ़ते हैं, देयर लिटिल टॉम डैक्रे हु क्राइड व्हेन हिज हेड दैट कर्ल लाइक लैम बैक वॉज शेव्ड। सो बेसिकली इधर क्या बोल रहे हैं पोएट, उस बच्चे का नाम बताते हैं जिसको इधर रेफरेंस दे रहे हैं, और हमें ये पोम समझाते हैं कि ये जो बच्चा है, इसका नाम टॉम डैकर है, ये रो रहा है क्योंकि इसके कर्ली बाल, जैसे कि लैम्प के बैक में जो कर्ली बाल होते हैं वैसे इसके कर्ली बाल हैं, वो शेव हो रहे हैं। इस बच्चे को बुरा लग रहा है कि क्यों आप मेरे बाल क्यों शेव कर रहे हो। So I said, hush Tom, never mind it, for when your head's bare, you know that suit cannot spoil your white hair. तो हमारे narrator, यानी कि poet बोलते हैं, चुप हो जाओ Tom, कोई बात नहीं, तुम्हारा head shave कर रहे हैं तुम्हारे लिए ही, क्योंकि अगर तुम्हारा head shave नहीं होगा और तुम वहाँ पे work करोगे तो तुम्हारे बाल में जूहें आ सकती हैं, जिसकी वजह से तुम्हारे बाल में खुजली रहेगी, या फिर अगर तुम्हारे बड़े बाल ऐसे ही रहेंगे तो या उसे फायर कैच कर लेगी। तो इसलिए तुम्हारे लिए ही अच्छा है कि तुम अपने बाल शेव करवा लो।
उसे बेसिकली शांत बना दे रहे हैं हमारे नरेटर, उसे समझा रहे हैं कि कोई बात नहीं, तुम रिलैक्स करो। नेक्स्ट पैरा में देखते हैं, स्टैंड में देखते हैं क्या समझा रहे हैं हमारे पोएट। सो ही वॉज क्वाइट एंड दैट वेरी नाइट एज टॉम वॉज स्लीपिंग ही हैड सच अ साइट। तो अब वो क्वाइट हो गया, वो समझ गया, और उस रात उसे एक सपना आता है कि द थाउजेंड ऑफ स्वीपर, डिक, जो, नेड एंड जैक वर ऑल ऑफ देम लॉक्ड अप इन द कॉफिन ऑफ ब्लैक। तो बेसिकली उसे एक अच्छा विजन आता है कि ये जो बच्चे हैं, चिमनी स्वीपर जिनका नाम डेक, जो, नेड और जैक है, सब डेड हो चुके हैं और वो लाए कर रहे हैं, मतलब लेटे हुए हैं कॉफिन के अंदर जो कि ब्लैक कलर की वुड से बना हुआ है। अब नेक्स्ट स्टैंजा पे आते हैं। एंड बाय केम एन एंजल हु हैड अ ब्राइट की एंड ही ओपन द कॉफिन एंड सेट देम ऑल फ्री। तो अब इस पोम में और इस जो आगे पैरा है वहाँ पे अब ये विजन को कंप्लीट करते हुए बताते हैं कि जो एंजल एक आती है उनकी ड्रीम में, जिसके हाथ में ब्राइट की है जो ओपन करती है कॉफिन, और सारे बच्चे उस कॉफिन से निकल जाते हैं बाहर फ्री, मतलब जितनी भी बॉन्डेज थी लेबर से, जो उनको चाइल्ड लेबर करना पड़ता है, वो नहीं है, अब वो फ्री है, वो जहाँ जाना चाहे जा सकते हैं। देन डाउन अ ग्रीन प्लेन लीपिंग लाफिंग दे रन एंड वॉश इन रिवर एंड शाइन इन द सन। तो बेसिकली अब वो फ्री हो गए, उन्हें किसी की परवाह नहीं है, उन्हें कुछ नहीं करना पड़ रहा। तो अब वो जो बच्चों के काम होते हैं, खेल रहे हैं, वो ग्रीन ग्राउंड में अपने आप को वॉश कर रहे हैं, जो उनके अंदर ऊपर सूट लग गया है चिमनी को क्लीन करते करते, और अब वो अपने आप को ड्राई कर रहे हैं सनलाइट में। ये बहुत अच्छा मोमेंट था चिमनी स्वीपर के लिए, जो फ्री हो गए, उन्होंने कोई काम नहीं करना, अब बस उनका मेन काम क्या है, बस खेलना, जो बच्चों का होता है काम, उन्हें कोई चाइल्ड लेबर नहीं करना, उन्हें कोई बॉन्डेज नहीं कि तुम्हें एक जगह काम पे जाना ही जाना है, उन्हें जो मन करे वो कर सकते हैं अब, क्योंकि उनको एंजल ने फ्री कर दिया है हर एक बॉन्डेज ऑफ लाइफ से। नेक्स्ट पैरा पे आते हैं, ये फिफ्थ स्टैंजा है हमारा। देन नेकेड एंड वाइट ऑल द बैग्स लेफ्ट बिहाइंड दे राइज अपॉन क्लाउड्स एंड स्पोर्ट इन द विंड्स। तो अब इधर ड्रीम कंटिन्यू हो रहे, जितने भी लिटिल बॉयज हैं वो नेकेड हैं, अब वो वाइट हो गए हैं वॉश होने के बाद। अब उन्होंने जो बैग्स ऑफ क्लोथ, यानी कि जो उनका बर्डन था वो उठा रहे थे, जो बैग्स ऑफ सूट, मतलब जो उनके ऊपर सूट था जो ब्लैक कलर का चिमनी से निकलता है वो वाला सूट, अब वो पीछे छोड़ के आ चुके हैं, मतलब चिमनी स्वीपिंग अब उनको नहीं करना पड़ेगा, अब जो चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी है, अब वो हेवन में जा चुके हैं, अब वहाँ पे क्लाउड्स में खेल सकते हैं, जैसा करना चाहे वो कर सकते हैं। एंड द एंजल टोल्ड टॉम इफ ही बी अ गुड बॉय ही हैव गॉड फॉर हिज फादर एंड नेवर वॉन्ट जॉय। तो फिर एंजल समझाती है टॉम को, अगर तुम एक अच्छे बच्चे बनोगे तो गॉड तुम्हारे फादर बनेंगे और कभी भी तुम्हें लैक नहीं मिलेगा हैप्पीनेस का, हमेशा तुम खुश रहोगे, जहाँ पर भी हो तुम हमेशा खुश रखेंगे वो। अब नेक्स्ट स्टैंजा की ओर पढ़ते हैं, तो ये बेसिकली लास्ट स्टैंजा है इस पोम का। एंड सो टॉम अवोक एंड वी रोज इन डार्क एंड गॉट विद अर बैग्स एंड अर ब्रशेस टू वर्क। अब लास्ट स्टैंजा में टॉम उठ चुका है अपनी ड्रीम से जो उसको आ रही थी। अब टॉम और बाकी के जितने भी स्वीपर हैं, बच्चे, चिमनी स्वीपर्स, अवॉइड कर अपने बेड से वही अपना मॉर्निंग रूटीन कर रहे हैं, अपने बैग्स उठा रहे हैं, ब्रशेस उठा रहे हैं, अपने काम को जा रहे हैं। दो द मॉर्निंग वॉज कोल्ड, टॉम वॉज हैप्पी एंड वार्म, सो इफ ऑल डू देयर ड्यूटी दे नीड नॉट टू फियर हार्म। सो बेसिकली इधर बोल रहे हैं कि जो मॉर्निंग थी ये कोल्ड थी, फिर भी इतना अच्छा ड्रीम आ रहा था टॉम को, अब वो हैप्पी है इधर, और लास्ट में वो ये बोलते हैं कि अगर हम अपनी ड्यूटी करेंगे, हमें कोई किसी चीज़ की फियर नहीं है, गॉड हमेशा ऊपर से हमें देख रहे हैं, वो हमें गाइड करेंगे,
एक रास्ता दिखाएंगे जिससे हम अपना पाथ फुलफिल कर सकें। और अब आगे हम थीम्स देखते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं लिखने के लिए, एग्ज़ाम टाइम में हेल्प आती है। अगर हम लिखेंगे तो ज़्यादा कंटेंट लिख सकेंगे अपने आंसर शीट में। तो पहला क्या है, होप। तो इधर जो बच्चा है वो ड्रीम करता है कि मे बी अब उसका फ्यूचर लॉस नहीं हुआ, अभी भी उसे डिफिकल्ट सिचुएशन में लगता है, उसे ड्रीम्स आ रहे हैं, मतलब वो सोचता है कि अभी भी उसके लिए बेटर फ्यूचर अवेट कर रहा है। नेक्स्ट है चाइल्डहुड। इधर मेन है थीम की जो यंग बॉय है उसे फोर्स किया गया, पहले तो उसके फादर ने उसे फोर्सफुली भेज दिया मास्टर के पास। अब वो उनसे काम करा रहा है और उसका इनोसेंस स्टील हो गया, जो जिस टाइम पे उसको खेलना चाहिए था उस टाइम पे उसे काम करवा रहे हैं, उसे पढ़ाई नहीं करने दे रहे। तो इस टाइम पे बच्चे की जो इनोसेंस है वो स्टील हो गई है उससे। मेन थीम क्या है, चाइल्ड लेबर की, बच्चों से काम कराना। उन्हें बचपन में उनकी डेथ हो जाती है क्योंकि उनकी लंग्स प्रोन हो जाती हैं इस सूट से। और बहुत सारे डेंजर भी होते हैं, जैसे कि कभी आग लग गई गलती से तो उनकी ऑलरेडी डेथ हो सकती है, तो इसके बहुत सारे डेंजर्स भी होते हैं। तो इसलिए उनसे चाइल्ड लेबर कराया जाता है जिससे उन्हीं के लिए ही हानिकारक है बहुत ज़्यादा। और ये अपने विलिंगनेस से नहीं करते, बच्चे उनको फोर्स करते हैं उनके मास्टर, क्योंकि उनको बेचा जा चुका है, अब मास्टर की मर्जी उनसे जो भी कराए। और यहाँ पे हमारी पोम ख़त्म होती है। अगर यहाँ तक अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से समझ आया तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करते हुए जाना, कुछ भी ना समझ आया तो बेझिझक कमेंट कर देना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।